नमस्कार, मैं ज्योत्सना स्वागत करती हूँ आप सभी का दोस्तों आपके अपने चैनल बिंदास प्लांटिंग में। दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट लेकर। और ये पूरा एकदम बड़े साइज का खिलता है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं, और एकदम स्प्रिंग सीजन से शुरू हो जाता है और पूरे जब तक की ठंडी नहीं आता है तब तक एकदम बारिश में भी पूरा भर भर के खिलता है। और ये इसका नाम है दोस्तों क्रेप जास्मिन, जिसको चांदनी के नाम से भी हम सभी जानते हैं। और ये मल्टी पेटल में चांदनी है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इसके पेटल आप गिन नहीं पाएंगे, इतने सारे एकदम गुच्छे में है। जैसे गुलाब होता है बिल्कुल मल्टी पेटल, उस तरह एकदम गुच्छेदार ये फ्लावर है। और एक इसका आता है सिंगल पेटल में, और दूसरा देखिए फ्रेंड्स ये मल्टी डबल पेटल में है, मतलब एक नीचे पेटल है और एक ऊपर साइड पेटल है। ये आपका डबल पेटल हुआ और ये मल्टी पेटल है, और एक आता है फ्रेंड्स सिंगल पेटल। ये तीन तरह का आपको दिख जाएगा क्रेप जास्मिन में, चांदनी के प्लांट में, और तीनों बहुत ही अच्छा होता है। और इसको पूजे पाठ में भी लोग यूज़ करते हैं, और इसमें खुशबू बहुत ही अच्छा होता है, पर बहुत स्ट्रांग खुशबू नहीं होता है फ्रेंड्स। इसमें एकदम भीनी भीनी सी खुशबू आती है, एकदम हल्की हल्की सी, लेकिन बहुत अच्छा होता है। इसके आसपास यदि आप बैठेंगे तो आपको महसूस होगा कि इसकी एकदम धीमी धीमी सी खुशबू बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज हम इस प्लांट के बारे में बात करेंगे कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग आप कैसे ले सकेंगे, और बड़े साइज़ का फ्लावरिंग आपके प्लांट में कैसे आए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे प्लांट में पूरे भर भर के पूरा कली आया हुआ है, सब ढेर सारी कलियाँ आई हुई हैं, बर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, साथ ही साथ आपको फ्लावर भी दिख रहा होगा। और बहुत ही अच्छा और बड़े साइज का फ्लावर है दोस्तों, एकदम से आप देख पा रहे हैं हर एक ब्रांचेज में आपको भर भर के, इस तरह आप देख रहे हैं बर्ड्स है, और इस तरह देखिए पूरा बर्ड एकदम भरा हुआ है और खिला हुआ भी है, और बहुत सारे मुरझा के हमारे गिर भी चुके हैं। तो हर एक ब्रांच में, और हर एक ब्रांच में बड़े साइज़ का फ्लावर आप इससे कैसे ले पाएंगे, इसी के बारे में आज पूरी वीडियो होने वाली है फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल वाली बटन होती है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके, और आप भी इस तरह गार्डन में खूबसूरत खूबसूरत फूल लगा सके। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं कि मैं अपने चांदनी के प्लांट में क्या क्या ट्रिक्स यूज़ करती हूँ कि इस तरह का बड़े बड़े साइज का और पूरे भर के फ्लावरिंग आया है। और बहुत बड़ा ये प्लांट नहीं है फ्रेंड्स, और बहुत छोटे से गमले में लगा हुआ है, बहुत बड़ा सा गमला भी नहीं है, मात्र ये 9 इंच का गमला है और इसी में बहुत भर के फ्लावरिंग कर रहा है। तो सबसे पहले काम करते हैं फ्रेंड्स, इसके जो भी आपके फ्लावर सूखे हुए दिख रहे हैं या जो भी आपका लीव्स या आप देख पा रहे हैं ये सब डैमेज है। ये जो आंधी आई थी बीच में फ्रेंड्स, उसमें सारे ये मेरे डैमेज हो गए थे लीव्स, और बहुत ज़्यादा जब पानी हो जाता है गमले में तो उससे भी ये येलोइश हो जाता है लीव्स। तो सबसे पहला जो काम करना है, ये सारे जो लीव्स डैमेज लीव्स हैं इसको आपको कंप्लीट कट करके हटा देना है, इस तरह से जो भी है, और जो सूखे फ्लावर हैं उसको भी आपको कट कर देना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस साइड एक कंप्लीट मेरा खिल के फ्लावर ये सूख चुका है, तो इसको कंप्लीट आपको कट करके हटा देना है। और इस तरह जो भी आपके पास दिखे वो सारे आप देख रहे हैं नीचे साइड में, ये सारे आपको कट कर देना है कंप्लीटली। जो भी सूखे फ्लावर थे दोस्तों सब मैंने कट कर दिए हैं, और इस तरह जो डैमेज लीव्स था, येलोइश लीव्स था, कटा फटा जो भी था उसको मैंने सारे कट कर लिए हैं। और नेक्स्ट जो आपको काम करना है, ये बीड्स जन्म जाते हैं दोस्तों बारिश में, अक्सर थोड़े दिन गमले की गुड़ाई आप नहीं करेंगे तो ऐसे जन्म ले लेते हैं, ये सबको हटा देना है, और आपको हल्की हल्की सी गमले की गुड़ाई कर देनी है ताकि बारिश में जो पानी पड़े बहुत अच्छे से इसका रूट सक कर सके, और अच्छे से एरेशन भी हो और हवा भी लगे। इसलिए गुड़ाई आपको महीने 15 दिन में ज़रूर करना है, और हल्की गुड़ाई करनी फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा डीपली अभी आपको गुड़ाई नहीं करनी है। उसको थोड़ी देर के लिए ऐसी हवा लगने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट काम करना है आपको, इस तरह आप देख पा रहे हैं मैंने ये गमले की कटने जो प्लांट है उसकी प्रूनिंग की थी, और उससे देखिए बहुत सारे मुझे ब्रांचेज मिले हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको फ्लावरिंग यदि लेना है फ्रेंड्स तो आपको ज़रूर इस बात का ख्याल रखना है कि प्रूनिंग आपको करते रहना है, हर जगह जो ब्रांच से आपको फ्लावर नहीं निकल रहा है वहाँ आपको कट कर देना। आप देख रहे हैं ये ब्रांच मैंने कट किए थे, इस तरह देखिए बहुत सारे मेरे 2 से 3 हर एक स्टेम में आपको मिल जाएंगे ब्रांचेज। तो इस तरह आपको प्रूनिंग करते रहना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेम निकले, और फिर उसी स्टेम पे ऊपर में टॉप पे आपको फ्लावरिंग मिलेगा, बर्ड्स मिलेगा।
प्रूनिंग के बाद जो नेक्स्ट बात है दोस्तों, जो सबसे ज़रूरी है वो है सनलाइट की। ये जो फ्लावरिंग प्लांट है दोस्तों, ये पूरे दिन की सनलाइट पसंद करता है, इसीलिए इसको पूरे दिन की सनलाइट देनी है, चाहे ठंडी हो या बारिश का दिन हो, उस समय आपको पूरे आपको सनलाइट में रखना है। लेकिन जब हार्श टेम्परेचर हो, गर्मी के दिनों में, उस समय इसको हाफ डे का सनलाइट प्रोवाइड कीजिए और बाकी समय इसको शेड में रखिए, तो बहुत अच्छा से ये सर्वाइव करेगा और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी ये करता रहेगा सालों साल। आप देख रहे हैं मेरा कोई भी लीफ में आपको पेस्ट का अटैक नहीं दिख रहा होगा फ्रेंड्स, आगे से भी देख सकते हैं और पीछे साइड से भी इस तरह, तो आपको भी बीच बीच में इस तरह देखना भी है कि कोई पेस्ट का अटैक नहीं है। तो इस तरह आपको सनलाइट में जब आप रखेंगे तो आपको किसी भी तरह का, ज़्यादातर आपको पेस्ट का अटैक नहीं देखने को मिलेगा। पेस्ट का अटैक तब होता है फ्रेंड्स जब आप इसको सेडी एरिया में रखते हो, सन पूरी तरह से इसको प्रोवाइड नहीं करते हो, तभी इसको पेस्ट ज़्यादा अटैक करता है, वरना आप सनी प्लेस में आप रखेंगे तो बहुत अच्छे से ये ग्रोथ करता रहेगा। नेक्स्ट जो काम करना है दोस्तों वो है फर्टिलाइज़र डालना, और किसी भी प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है कि आपका प्लांट का ग्रोथ भी अच्छे से हो, फ्लावरिंग भी अच्छा से करे, फ्रूटिंग भी दे, तो इसलिए फर्टिलाइज़र का खास आपको ख्याल रखना है। और ये जो फ्लावरिंग प्लांट है दोस्तों, जो क्रेप जास्मिन है, चांदनी का प्लांट है, बहुत भर भर के फ्लावरिंग देता है, आपको एक स्टेम में कम से कम 10-10 फ्लावर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह ये हेवी फीडर भी है, बहुत ज़्यादा इसको खाना दीजिएगा तभी बहुत अच्छे से बड़े साइज़ का फ्लावर देता रहेगा। इसके लिए आपको 15 दिन पे या 2 हफ्ते इससे ज़्यादा भी अगर हो जाए, कम से कम आपको 15 दिन महीने दिन में एक बार फर्टिलाइज़र इस तरह आपको डालना है। और फर्टिलाइज़र में मैंने क्या लिया है फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये जो बनाना पील्स का ड्राई फॉर्म है उसी को मैंने इस तरह बड़े बड़े टुकड़े में कट कर लिया है। दूसरा जो फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये काउडंग फर्टिलाइज़र है और ये भी मेरा फुली डिकम्पोस्ट है, तो आप भी कच्चा मत लीजिएगा, गोबर की जो खाद होती है वो कंपोस्ट रहे पूरी तरह से, वही अच्छा होता है। और इसको भी मैंने इस तरह छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में तोड़ लिए हैं सिर्फ, ऐसे बहुत ज़्यादा पाउडरी फॉर्म नहीं किया है, तो आपको भी इस तरह आपको देना है। अभी बारिश का सीज़न है फ्रेंड्स, इसलिए खास करके ख्याल आपको रखना है कि आपको थोड़े थोड़े मोटे टुकड़े में ही आपको डालना है, ताकि बारिश का पानी पड़े और अच्छे से ये धीरे धीरे एकदम डाइल्यूट होकर फर्टिलाइज़र आपके प्लांट को देता रहे। और नेक्स्ट फर्टिलाइज़र मैंने लिया है अपना जो टी लीव्स होता है उसका कंपोस्ट, तो ये बहुत ही अच्छा होता है इस फ्लावर के लिए, क्योंकि ये एसेटिक सॉइल को पसंद करता है फ्रेंड, तो ये मेंटेन करता है आपको। तो इस तरह चाय पत्ती की खाद आपको ले लेना है और ये बहुत ही इजी वे में बन जाता है फ्रेंड्स, मैंने इसका वीडियो भी डाला है, आप देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगी। और सिंपली थोड़ा सा मैंने लिया है नीम खली, ऐसे 1 चम्मच के अंदाज से, इस तरह आपको भी ले लेना है। और इस तरह सबको मिला के आपको साइड से, जो प्लांट के साइड से स्टीम से थोड़ा सा हट के आपको डाल देना है, मतलब ज़्यादा नहीं डालना है, बट 2 मुट्ठी के अंदाज से आपको प्लांट के आजू बाजू इधर किनारे एकदम से डाल देना है स्टीम के हट के, और जो ये है मैंने गुड़ाई की थी उस मिट्टी से इस तरह कवर अप कर देना है, ताकि पानी पड़े बारिश का या जो भी हम डालते हैं पानी, तो बाहर से निकल ना जाए जो भी हमने फर्टिलाइज़र डाला है। और बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड नहीं इस गमले को भरना है सॉइल मिक्स से, नहीं तो ये पूरा जब पानी पड़ेगा इस पर तो ये टप टप करके पूरा से बाहर ये छिटक के निकल जाता है फर्टिलाइज़र या जो भी सॉइल मीडिया है। तो थोड़ा सा आप 1 इंची खाली ही रखिएगा गमले को, इस तरह ये ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा ये चलेगा। और इस फर्टिलाइज़र को आप यूज़ करते रहिए 15 दिन में, महीने दिन में, तो आपको किसी दूसरे और फर्टिलाइज़र मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से ये चलता रहेगा। और दूसरा जो मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स, जो कि बहुत अच्छा काम करता है इस प्लांट पे और बहुत बड़े बड़े साइज़ का फ्लावरिंग भी करता है, वो है हमारा इस तरह का जो है आपका बायो एंजाइम। ये मैंने संतरे के छिलके से बना रखे हैं, तो आप भी इस तरह बना सकते हैं। कैसे इसको बनाना है इसका भी मैं लिंक डाल दूंगी, मैं वीडियो डाल ली हूँ पहले भी, तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके लिए इस तरह फ्रेंड्स मैंने 100 ml के अंदाज से, 150 ml के अंदाज से मैंने पानी ले लिया है, और इसमें आपको 5 ml इस तरह आपको ढक्कन से ही एक ढक्कन सिंपली डाल देना है। यदि आपके पास माप है, मेज़रमेंट है, कोई कप है, तो आप उससे ले सकते हैं, वरना मैं इस ढक्कन से ही डाल देती हूँ।
तो इसमें थोड़ा सा अगर यदि ज़्यादा कम हो गया तो टेंशन की बात नहीं है फ्रेंड्स, बहुत कोई परेशानी की नहीं होती है, एकदम बहुत अच्छा होता है। तो इस प्लांट में ये वाला फर्टिलाइज़र लिक्विड डालिएगा, बायो एंजाइम डालिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपको डालना है, ये मिट्टी को भी बहुत अच्छा उपजाऊ बनाता है और आपके प्लांट को बहुत अच्छा हेल्दी और एसेटिक सॉइल प्रोवाइड करता है और फ्लावरिंग में हेल्प करता है, बड़े साइज़ का फ्लावरिंग आने में। तो ये इसका ज़रूर उपयोग कीजिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा होता है ये फर्टिलाइज़र। और आपके क्रेप जास्मिन हुआ या जास्मिन नॉर्मल प्लांट हुआ उसमें भी आप ये डाल सकते हैं, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है, तो आप मेरा वीडियो जास्मिन का प्लांट में देख सकते हैं, बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स। तो इस तरह आप बायो एंजाइम का यूज कर सकते हैं। और इस संतरे का जो बायो एंजाइम है फ्रेंड्स, इसके पत्तों पे भी बहुत अच्छे से आप स्प्रे कर सकते हैं, आगे से इस तरह और इसके पीछे साइड से भी। तो इसका फ़ायदा ये होगा फ्रेंड्स कि इसमें जो भी पेस्ट का अटैक होता है हल्का फुल्का, वो आपको बिल्कुल नहीं होगा। मैं इस तरह का स्प्रे करती रहती हूँ हर 15 दिन में, इस तरह आप भी बायो एंजाइम का स्प्रे कर सकते हैं। ये आपका संतरे का हो गया, दूसरा आप नींबू का भी स्प्रे कर सकते हैं। मैं इस तरह सीक्रेट टिप्स का यूज़ करती रहती हूँ फ्रेंड्स, और आज मैं आपको बता दी हूँ, आप भी इस तरह अपने प्लांट में यूज़ कीजिए तो इसका बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, बहुत सारा इसका फ़ायदा मिलेगा आपके प्लांट पे। बात करते हैं दोस्तों इसके पानी के बारे में कि इसको कितना पानी चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी का मौसम है बारिश का, तो आपको बारिश में कभी भी इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपका बारिश से पानी इसको मिलता रहेगा। लेकिन जैसे ही इसका सॉइल मीडिया आपको ड्राई दिखे, तो ऊपर से हल्की सी डाप को ड्राई दिखे, इसको ज़रूर पानी प्रोवाइड कीजिए, वरना जो भी फ्लावरिंग आ रहे हैं वो आपका सूख जाएगा और जो फ्लावरिंग थी जो आपका लीव्स है वो भी आपका ड्राई हो जाएगा, एकदम नीचे की तरह ऐसे झुक जाता है। तो इस बारे में खास ख्याल रखिएगा कि जब ये बड्स देना शुरू हो जाए और ये फ्लावरिंग पूरा आना शुरू हो जाएगा, तो इस तरह आपके गमले में मॉइस्चर को बना के हमेशा रखना है। दूसरे सीजन में ये प्लांट थोड़ा ऊपर से ड्राई भी हो जाता है, ऐसे लीव से झुक भी जाता है, तो फिर से ये कवर अप कर देता है दोबारा जब हम पानी इसमें डालते हैं तो। लेकिन जब ये फ्लावरिंग करना शुरू हो जाता है, बड देना इस तरह बड़े बड़े साइज इस तरह आना शुरू हो जाता है, तो जैसे ही इसमें पानी थोड़ा सा कम होगा फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि सारे बड्स इसके गिर जाएंगे, एकदम फटाफट गिरना शुरू हो जाता है। तो इसलिए खास ख्याल रखिएगा कि जैसे ही ये छोटा छोटा इस तरह बड निकलना शुरू होता है, उसी समय से आप एकदम मॉइस्चर को मेंटेन करके रखिएगा, अदरवाइज आपका प्लांट में जो भी बड होंगे सारे गिर जाएंगे, लीव्स भी येलोइश हो जाएंगे। तो इस तरह आप पानी का ख्याल रखिए कि मॉइस्चर को बना के रखे। बात कर लेते हैं पेस्ट के बारे में दोस्तों। तो पेस्ट में इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी आपको दिख जाएगा एकदम से छोटे छोटे एकदम मक्खी की जैसे इसमें लग जाते हैं, इसके फ्लावर में आपको दिखेगा जो न्यू स्टेम इस तरह नए नए शूट्स निकलते हैं, उसे मैं आपको हल्की फुल्की आपको दिख जाएगी इसमें पेस्ट का अटैक। तो आपको सिंपली नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, बहुत अच्छा होता है। और दूसरा बायो एंजाइम का, जिस तरह मैंने ये बताया है, इसका फोलिएज स्प्रे करते रहिए, आपका प्लांट भी हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा और पेस्ट का भी कोई भी तरह का कोई इसमें अटैक नहीं होगा। बस दो चीज़ इसमें यूज कीजिए, बाकी और ज़्यादा इसमें केमिकल फर्टिलाइजर मतलब पेस्टिसाइड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड। आप इस तरह यूज करते रहिएगा तो आपका सालों भर ये फ्लावरिंग आराम से चलता रहेगा और खिलता रहेगा। आज के लिए इतनी ही जानकारी थी दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वे भी अपने गार्डन में ये मल्टीपेटल का चांदनी का प्लांट लगा सके और ढेर सारा फ्लावरिंग मेरी तरह पूरे बड़े बड़े साइज का पा सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह आप केयर कीजिए अपने क्रेप जास्मिन का, तो बहुत सारा फ्लावरिंग आएगा आपके प्लांट में भी और सालों साल ये चलने वाला प्लांट है दोस्तों। तो इस तरह केयर कीजिए, नमस्कार।